दियोना का नाम सुनते ही कमरे में खड़े सभी लोग चौंक गए। आदित्य को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी ने पूरे 25 साल बाद कुछ बोला था। वो इंसान जिस पर किसी दवा या दुआ का असर नहीं हो रहा था, उस पर सुहाना का ऐसा जादू चला कि वो बोल पड़े थे। आदित्य चौंकते हुए सुहाना की तरफ देखे जा रहा था, जो खुद हैरान हुए आनंद के पास खड़ी थी। तुमने तो कहा था ये बोलते नहीं है, अब ये क्या हुआ? काकी हैरान होकर आदित्य से पूछती हैं। पूरे 25 साल बाद आज जाकर इन्होंने कुछ कहा है काकी, इस पर तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? आदित्य ने हैरानी के साथ बोला। सुहाना आनंद के पास ही खड़ी बड़े ही आस के साथ उसे देख रही थी। उसके अंदर जैसे एक नई उम्मीद जाग गई हो। हार मानकर जो बस वहां से जा ही रही थी, उसे एक नया रास्ता मिल गया था अपनी बेटी तक पहुंचने का। लेकिन वहीं एक तरफ वो भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर आदित्य के पिता ने उसे वियोना क्यों कहा। सुहाना ने आदित्य से पूछा, ये मुझे वियोना क्यों कह रहे हैं? इसका कारण तो खुद आदित्य को भी नहीं पता था। उसने कहा, मैं तो किसी वियोना को जानता तक नहीं, क्या पता आपको देखकर पिताजी को उनकी याद आ गई हो। ये सुनकर सुहाना फिर से हैरान रह गई। उसने आदित्य के पिता आनंद से फिर एक बार पूछा, आप मुझे वियोना क्यों बुला रहे हैं? क्या मैं वियोना जैसी दिखती हूँ? और आप कैसे जानते हैं वियोना को? कौन है ये वियोना? आनंद सुहाना की बातों को जैसे अनसुना कर रहा था। वो बस सुहाना की ओर देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन आगे कुछ भी नहीं बोले। आनंद के चेहरे पर मुस्कान देखकर सुहाना को भी थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने अचानक आनंद से पूछा, आप वियोना को कैसे जानते हैं? क्या आपने कभी उससे बात की है? आनंद का इस पर कोई जवाब नहीं आया। सुहाना ने फिर से एक बार पूछा, देखिए आपकी चुप्पी मुझे अंदर से खाए जा रही है, प्लीज आप कुछ तो बोलिए, आपको वियोना के बारे में कुछ भी पता है तो बताइए। आनंद बस सुहाना को घूरते हुए अपने व्हील चेयर पर बेजान सा पड़ा था। अगर कुछ अलग था तो वो थी आनंद के चेहरे की मुस्कान, जो सुहाना को देखते देखते उनके चेहरे में जान डाल रही थी। आपने अभी अभी वियोना कहा ना कि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिना जाने ही आपने मुझे देखकर वियोना कहा, ऐसे तो नहीं हो सकता, आप जरा कोशिश कीजिए ना, आपको कुछ तो याद आएगा। सुहाना ने फिर से मिन्नतें करते हुए आनंद से पूछा। सुहाना के चेहरे के हाव भाव से काकी को ये साफ साफ दिख रहा था कि उसके अंदर जितने भी संदेह और निराशा भरी थी, वो सब सवाल बनकर आनंद पर बरस रहे थे। और धीरे धीरे सुहाना अपना आपा भी खो रही थी। इससे पहले सुहाना पूरी तरह से आनंद पे बरस जाए, काकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये सब देख रही कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी अब सुहाना के लगातार सवालों से तंग आ चुकी थी। काकी ने सुहाना से कहा, बेटी जरा आराम से खुद को संभालो, तुम देख नहीं रही हो क्या, आनंद जी पहली बार इन 25 सालों में कुछ बोले हैं, तुम ऐसे उन पर बरस गई तो वो कैसे आगे बोलेंगे? काकी की बात सुनकर आदित्य ने भी कहा, सुहाना जी मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन ये चमत्कार आज हुआ है, पूरे 25 साल बाद, तो उम्मीद रखिए, मुझे यकीन है मेरे पिताजी आगे भी ऐसे ही धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। सुहाना ने खुद को संभालते हुए आदित्य को देखकर हाँ में सर हिलाया और मन में सोचा, ये क्या कर रही है सुहाना, तू तुझे उंगली क्या दिया आदित्य ने, तूने हाथ ही पकड़ लिया, आनंद जी की तबीयत का भी लिहाज नहीं किया। सुहाना आदित्य की तरफ मुड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य, मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी, आपने और आपके पिताजी ने हमारी काफी मदद की है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। आदित्य ने भी हाँ में सर हिलाया और अपने पिता आनंद को वापस कमरे में ले गया। जाते वक्त सुहाना का पूरा ध्यान केवल आनंद की उन आंखों और मुस्कान पर था। कुसुम सुहाना को देखकर मुंह बनाते हुए वहां से निकल गई। अब वहां काकी और सुहाना के अलावा कोई भी नहीं था। काकी ने सुहाना से कहा, चलो बेटा वापस लौट चलते हैं, आदित्य से वहीं पर बात कर लेंगे। इतना कहकर काकी और सुहाना बिना आदित्य को बताए ही वहां से निकल गए। सुहाना कच्चे रास्ते से वापस लॉज की तरफ जा रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस वक्त
उसके मन में बस वियोना का ख्याल ही चल रहा था। काकी ने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा, आखिर बात क्या है सुहाना? सुहाना ने नीचे देखते हुए कहा, काकी अब तो ये आनंद जी भी मुझे वियोना कह रहे हैं। इनसे तो मैं आज पहली बार मिली हूँ और 25 साल बाद आज इन्होंने बोला भी तो क्या, एक नाम वियोना। आखिर ये लोग मुझे वियोना क्यों समझ रहे हैं? काकी ने चलते चलते कहा, अगर हमारे पास वो पंडित जी वाली किताब होती तो शायद हम वियोना के बारे में कुछ पता कर पाते, लेकिन किताब तो वहीं उस जंगल में छूट गई। अब यहाँ पुतुलबाड़ी में अपने सवालों को ढूंढने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। काकी इतना कह ही रही थी कि अचानक से गाड़ी सुहाना की तरफ तेजी से आ रही थी। जैसे ही काकी की नजर उस गाड़ी पर पड़ी, उन्होंने पलक झपकते ही सुहाना को पीछे की ओर खींच लिया। आज सुहाना बाल बाल बची, नहीं तो अब तक वो उस गाड़ी के पहिए के नीचे होती। काकी भिन्नाते हुए बोली, अरे सुहाना ध्यान कहाँ है तेरा, अगर मैं नहीं होती तो, ना से कहा। सुहाना ने काकी की बात पर हामी भरी और दोनों कच्चे रास्ते से होते हुए मार्केट पहुंच चुके थे। करीब अंधेरा ढलने ही वाला था, लेकिन मार्केट में कुछ ही लोग दिखाई पड़ रहे थे। ये देखकर सुहाना भी कुछ सोच में पड़ गई। सुहाना ने मन ही मन सोचा, बड़ा अजीब गांव है, यहाँ तो मार्केट में भी भीड़ ही नहीं है। काकी और सुहाना सामने ही एक साड़ी की दुकान में जाकर खरीदारी के बहाने से आनंद के बारे में पता लगाने की सोचने लगे। दुकान में घुसते ही आम महिलाओं की तरह ही वो दुकान वाले से अलग अलग साड़ियाँ निकालने को बोली। तभी सुहाना की नजर दुकान के कोने में लगी एक स्केच पेंटिंग पर पड़ी, जिसे देखकर वो अचंभित रह गई। वो काकी को स्केच पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोली, काकी ये पेंटिंग तो। तभी दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ मैडम, आपको ये कलर पसंद नहीं आया क्या? सुहाना दीवार पर टंगे स्केच पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए बोली, ये पेंटिंग। दुकानदार पेंटिंग की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये तो हमारा बेटा यूं ही पेंसिल स्केच पेंटिंग बनाता रहता है, उसे इन चीजों का बड़ा शौक है। सुहाना ने दुकानदार से कहा, बहुत ही उम्दा बनाया है आपके बेटे ने, क्या आप उसे मिलवा सकते हैं? हमारी काकी को पेंटिंग्स का बड़ा शौक है, क्यों है ना काकी? काकी अचानक से ये सुनकर हड़बड़ा गई और हिचकिचाते हुए हाँ कहा। ये सुनकर दुकानदार अपना सीना चौड़ा करते हुए अपने बेटे को आवाज लगाता है। तो इधर काकी ने सुहाना से पूछा, ये तूने मेरे बारे में झूठ क्यों कहा, मुझे तो पेंटिंग समझ भी नहीं आती। सुहाना ने काकी को समझाते हुए कहा, अरे काकी सुनो, यहाँ पर लोग सीधे सीधे तो कुछ बताते नहीं, इसीलिए इनसे हमें खबर उंगली टेढ़ी करके निकालनी पड़ेगी। काकी भी सुहाना से सहमत होकर दुकानदार के बेटे का इंतजार करने लगी। सुहाना अभी भी उस पेंटिंग को लगातार घूरे जा रही थी, क्योंकि वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि सुहाना के बॉयफ्रेंड आनंद जैसे देखने वाले एक शख्स की ही थी। वही छोटी आंखें और चेहरे पर वैसी ही मुस्कान। सुहाना ने मन में सोचा, आखिर ये पेंटिंग यहाँ कैसे, क्या इसका मतलब? वो आगे सोच ही रही थी कि वहाँ पर दुकानदार का बेटा आ चुका था। दुकानदार ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, ये रहा मेरा बेटा किशोर। किशोर कुछ 14 साल का लग रहा था और कद काठी से काफी लंबा भी। उसकी हल्की नीले रंग की आंखें सुहाना को बहुत सुंदर लगी। उसने किशोर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा क्या ये स्केच पेंटिंग तुमने बनाई है? किशोर ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाया। अपने बेटे की तारीफ सुनते ही दुकानदार के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे पहले कभी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की हो। सुहाना ने अब बड़े ही ध्यान से किशोर से पूछा, वैसे इस पेंटिंग वाले आदमी को आपने पहले कभी देखा है, आप इनसे मिले हो? किशोर पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सुहाना के जोर देने के बाद उसने कहा, नहीं मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला हूँ, मैंने तो बस इसे अपनी कल्पना से सोच सोच कर इसे बनाया था। काकी ने टोंट मारते हुए कहा, अच्छा बेटा, बिना देखे या मिले तुमने ऐसे ही इसकी पेंटिंग बना दी। अरे आंटी जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला, मैं तो जानता तक नहीं, शायद इसके कुछ चेहरे के अंग आपके किसी जान पहचान वाले आदमी से मेल खाते होंगे,
इसीलिए आप बार बार पूछ रही हैं? किशोर ने जोर देते हुए कहा। काकी की बातों से दुकान वाले का मूड बदल रहा था। सुहाना ने बात को संभालते हुए कहा, वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? पहले तो किशोर अचानक से चौंक गया, फिर उसके पिता के कहने पर अधूरे मन से उसने पेंटिंग सुहाना को दे दी। पेंटिंग लेते ही सुहाना और काकी दुकान से निकल गए। दुकान वाला तारीफों की खुशी में भूल ही गया था कि उसके ग्राहक बिना कुछ खरीदे ही चले गए। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, किशोर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान झलकने लगी, जैसे इस पेंटिंग के पीछे बहुत बड़ा राज हो। दुकान से कुछ दूर निकलने के बाद सुहाना मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो बात थी उस लड़के की पेंटिंग में। ये सारे लोग पुतुलबाड़ी के बारे में मुझसे कुछ तो छिपा रहे हैं, लेकिन मैं भी इसका पता लगा के ही रहूंगी। काकी ने अचानक से सुहाना को रोकते हुए पूछा, अरे सुहाना बेटी, तूने ये पेंटिंग क्यों ले ली? सुहाना ने बताया, काकी मेरे पास आनंद की कोई तस्वीर नहीं थी और इससे उसे ढूंढने में आसानी हो जाएगी। सुहाना गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। उसमें आनंद जैसे दिखने वाला शख्स किसी खम्बे से टिक कर खड़ा हुआ था। और तभी सुहाना को याद आया कि उसने ऐसे ही खम्बे हवेली में भी देखे थे। ये देखकर उसके दिमाग में हलचल होने लगी। वो बार बार उस तस्वीर को देखते देखते कुछ सोचने लगी। तभी काकी ने फिर से पूछा, क्या हुआ सुहाना, कुछ याद आया क्या? और सुहाना ने काकी को भी इस खम्बे के बारे में बताते हुए कहा, काकी लेकिन ये लड़के ने तो कहा कि इसने इस आदमी को यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और ये पेंटिंग तो हवेली के बाहर की लग रही है। मुझे तो पक्का लग रहा है कि इस गांव के लोग कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। काकी कुछ देर सीरियस होकर सोचते हुए बोली, बात तो तुमने एकदम ठीक कही सुहाना, ये लोग हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन तू अब फिकर मत कर, अब तो मैं खुद उस हवेली में जाकर पता करूंगी। सुहाना ने झट से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी काकी। काकी ने सुहाना को मना करते हुए कहा, अरे नहीं सुहाना बेटी, तू बेहोश हो जाएगी फिर से कभी भी वहाँ, इसीलिए तू लॉज में ही मेरा इंतजार करना। सुहाना ने जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं काकी, मैं जब भी अकेली होती हूँ तभी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है, लेकिन जब आप पास होती है तो मुझे जरा भी डर नहीं लगता। आपने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला है। ये सुनकर काकी ने कहा, देख सुहाना, अब मुझे माँ मानती है तो इस माँ की बात मान और लॉज में ही मेरा इंतजार करना, आज मैं इसके बारे में पता लगा कर ही आऊंगी। इतना कहकर काकी हवेली की तरफ निकल गई और सुहाना काकी के बारे में सोचते सोचते लॉज की तरफ निकल गई। कुछ देर में काकी हवेली पहुंच गई थी। हवेली के बाहर काफी अंधेरा पसरा हुआ था, सूरज ढल चुका था और आसमान पर अमावस्या की रात ने कब्जा कर लिया था। काकी हवेली को बाहर से एक बार गौर से देखकर धीरे धीरे हवेली की तरफ कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो हवेली की तरफ कदम बढ़ा रही थी, उन्हें अंधेरे में अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, कभी मेंढक की गुटर घुकी आवाज तो कभी खिड़कियों की खटकने की। काकी के हवेली के अंदर पैर रखते ही एक जबरदस्त आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, मानो जैसे कांच की कोई बड़ी सी चीज ऊपर से फर्श पर गिर गई हो। ये आवाज सुनकर काकी थोड़ा घबरा गई। काफी ज्यादा अंधेरे की वजह से काकी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी और हर कोने में हाथ रखते हुए आगे बढ़ रही थी। काकी मन ही मन सोचने लगी, इतना अंधेरा है कि मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा, काश कोई लालटेन या मोमबत्ती मिल जाए। काकी अभी रोशनी के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से काकी की आंखें चमकने लगी और उसके साथ ही काकी के शरीर को एक तेजी से झटका लगा। ये सब हो ही रहा था कि देखते ही देखते हवेली के हर खंभे में से तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। खंभे से निकल रही हर आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। जो भी उस आवाज को सुनता, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते। एक खंभे से आवाज आई, सिर्फ बियोना नहीं, यहाँ पर और भी कई सारे राज दफन हैं। आगे बढ़ो और खोल दो सभी दरवाजे, हटा दो सबसे पर्दा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक और खंभे से आवाज गूंजी और धीरे धीरे करके आवाजें बढ़ती गई। घबराहट और खौफ के मारे काकी ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ
उसके पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे धीरे से पीछे मुड़कर देखने लगी और पीछे सुहाना को खड़ा देख वो चौंक गई। आखिर किस राज के बारे में काकी को वो आवाजें बता रही थी? क्या है उस पेंटिंग का राज जो किशोर ने बनाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आदित्य के पिता आनंद ने भी सुहाना को देखकर वियोना क्यों कहा?